नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बगल वाले सर पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत की अनोखी कला रंगोली के बारे में। रंगोली दोस्तों सिर्फ एक सजावट ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कार और त्योहारों का अहम हिस्सा है। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है और स्टाइल में रंगोली बनाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख रंगोली के नाम और उनके राज्यों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां इसे अल्पना के नाम से जाना जाता है। अल्पना दोस्तों सफ़ेद चूने या चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। इसमें ज़्यादातर फूलों और पत्तियों की आकृति बनती है और इसका उद्देश्य शुभ अवसरों को मनाना है। अब दोस्तों हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां तमिलनाडु में इसे कोल्लम के नाम से जाना जाता है। कोल्लम में ज़्यादातर पाउडर का इस्तेमाल होता है और इसे हाथ या चावल के पाउडर से बनाया जाता है। इस कला में ज्यामिति आकार और सटीक पैटर्न बनाए जाते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे मुग्गु के नाम से जाना जाता है। मुग्गु बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल होता है और यह ज़्यादातर संक्रांति के समय बनाई जाती है। इसे बनाने में छोटे छोटे डॉट्स और लाइनों का विशेष महत्व होता है। महाराष्ट्र में इसे रंगोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ रंग बिरंगे पाउडर की रंगोली बनाई जाती है और दीपावली के समय यह बहुत आम है। इसके डिजाइन पारंपरिक होते हैं, जैसे फूल, दिए और पत्तियाँ इस रंगोली में बनाई जाती हैं। दोस्तों, उड़ीसा में इसे ओसा या झोटी कहते हैं। यहाँ इसे चावल के पेस्ट से हाथ से बनाया जाता है। उड़ीसा की रंगोली में देवी देवताओं की आकृतियाँ और सांस्कृतिक प्रतीक बनाए जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस कला को मांडना कहते हैं। मांडना आमतौर पर दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है और इसमें सफ़ेद और लाल रंग का इस्तेमाल होता है। इस कला में खास तौर पर ज्यामिति आकृतियों और लोक कलाओं को दिखाया जाता है। इसके बाद दोस्तों होता है बिहार में रंगोली को अरिपन कहते हैं। अरिपन में दोस्तों ज़्यादातर चावल के पेस्ट का उपयोग होता है और यह त्योहारों के समय घरों की सजावट के लिए बनाया जाता है। इसमें फूल, पत्तियां और देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, मणिपुर में इसे पुखम कहा जाता है। यहाँ रंगोली में ज़्यादातर धार्मिक और सांस्कृतिक रूपांकनों का प्रयोग होता है। यह चावल के पेस्ट से दोस्तों बनाई जाती है और त्योहारों में विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, कुछ और रंगोली देखते हैं, जैसे हुआ आंध्र प्रदेश में मुग्गु के अलावा कलमकारी रंगोली बनाई जाती हैं। केरल में कालम या कलमेजुथ आपने देखा। कुमाऊं में दोस्तों लिखताप रंगोली बनाई जाती है। बिहार में अपहन या अरिपन के अलावा गोदना एक रंगोली बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कोहबर और चौका पूरन जैसी रंगोली बनाई जाती है। राजस्थान में मांडना के अलावा मेहंदी रंगोली भी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में बंधनदारी प्रथा, अदूपना प्रथा जैसी रंगोली बनाई जाती है। कर्नाटक में रंगबल्ली, गुजरात में साथिया और उत्तराखंड में एपर जैसे रंगोलियां बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत की प्रमुख रंगोलियां और उनके राज्य। रंगोली हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हर राज्य में इसे बनाने का अपना अनोखा तरीका है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपके राज्य में रंगोली को क्या कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।